अनुष्का शर्मा ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट की जो लोगों के लिए काफी हैरान करने वाली थी। इस पोस्ट में अनुष्का शर्मा ने अपना गुस्सा जताते हुए ये बताने की कोशिश की है कि वो अपना नाम भारतीय क्रिकेट से जुड़े किसी भी विवाद में फंसने नहीं देगी। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वर्ल्ड कप 2019 के दौरान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स ने अनुष्का शर्मा को चाय परोसी थी। अनुष्का शर्मा ने फारूक इंजीनियर के दावों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी ना समझी जाए। फारूक इंजीनियर को जवाब देते हुए लिखा, मनगढ़ंत और फर्जी खबरों से कैसे निपटा जाए इस बारे में मेरी ये राय है कि चुप रहे और आलोचकों को बोलने दे। इसी प्रकार मैंने अपने 11 साल के करियर में चीजें संभाली है। मैं हमेशा अपनी चुप्पी की परछाई में सच्चाई को खड़ा देखती हूँ। वो झूठ को भी इतनी बार बोलते हैं कि वो भी आखिर में सच लगने लगता है और मुझे इस बात का डर है कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मेरी चुप्पी की वजह से ही मेरे लिए बोले गए झूठ सच में बदलने लगे हैं। लेकिन आज इसका अंत होगा। मैं हमेशा से चुप रहती आई हूँ। मैं उस वक्त भी चुप रही जब मेरे पति विराट कोहली के प्रदर्शन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा भी क्रिकेट से जुड़ी कई चीजों के लिए भी मेरा नाम शामिल किया गया। मेरा नाम उन किस्सों में भी लिया गया कि मैं बंद कमरों में होने वाली क्रिकेट टीम की बैठकों में शामिल होती और टीम का सिलेक्शन मेरे वजह से प्रभावित होता है। मेरा नाम उस समय भी गलत तरीके से प्रयोग किया गया जब कहा गया कि मैं अपने पति के साथ विदेशी दौरे पर ज्यादा वक्त गुजारती हूँ। लेकिन अगर तथ्यों पर ध्यान दे तो मैंने हमेशा से सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं। ये भी कहा गया कि बोर्ड मेरे लिए टिकट और सुरक्षा का इंतजाम करता है, जबकि सच्चाई ये है कि मैच और फ्लाइट की टिकट मैं खुद खरीदती हूँ। अब इन सब में जो सबसे नया झूठ फैलाया जा रहा है वो ये है कि मुझे सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप 2019 में चाय परोसी थी। मैं वर्ल्ड कप में एक गेम में आई हूँ और फैमिली बॉक्स में बैठी हूँ, सिलेक्टर्स के साथ नहीं। अगर आपको अपने सिलेक्टर्स पर और उनकी योग्यताओं पर सवाल उठाना है तो शौक से उठाइए, लेकिन इसमें मेरा नाम मत घसीटिए। लेकिन मैं इन चीजों में अपना नाम किसी को भी नहीं लाने दूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे केवल इस न्यूज़ से परेशानी हुई है और मैंने अपनी छुपी तोड़ी है। हर बार मुझे इतना ही खराब लगता है, इसलिए मेरे इस लेटर को न्यूज़ का जवाब ना समझे। मैंने आज बोलने का फैसला किया क्योंकि किसी की छुपी को कभी उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। आपको अपना एजेंडा चलाना है। किसी की आलोचना करनी हो, भले ही मेरे पति की आलोचना क्यों ना करनी हो, वो आप तथ्यों और सबूतों के साथ करे, पर मुझे बख्श दे। मैंने अपने दम पर अपना करियर बनाया है और मैं इस चीज के लिए किसी से समझौता नहीं करूंगी। कुछ लोगों को ये बात भले ही हजम ना हो, लेकिन मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ और एक क्रिकेटर की बीवी भी हूँ। और रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं कॉफी पीती हूँ। अनुष्का ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताई है। उनके इस एक्सप्लेनेशन पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।